नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंच। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं एक बिल्कुल नई इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे HDFC म्यूचुअल फंड की एक शानदार स्कीम के बारे में। जब से स्कीम स्टार्ट हुई है यानी फरवरी 2016 से लेकर अब तक स्कीम ने 20.93% का रिटर्न दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं HDFC म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में, उसके बाद हम इसे कैलकुलेट भी करेंगे कि कैसे आप 1.40 करोड़ रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल मनी मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। HDFC की स्कीम का नाम है HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान डायरेक्ट प्लान। दोस्तों, अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो यह स्कीम आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकती है। इस स्कीम में आप इन्वेस्ट करके किसी भी FD और RD से 4 गुना तक रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि शेयर मार्केट से जुड़े रिस्क इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी होते हैं, इसलिए इस स्कीम में आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल देखकर लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम इस स्कीम के रिटर्न की बात करें तो इस स्कीम का ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 20.93% का है और पिछले 5 साल का CAGR रिटर्न 16.79% का है। अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में स्कीम ने 21.23% रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल का रिटर्न 34.39% है, जो कि एक शानदार रिटर्न है। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP के जरिए 500 रुपए और लमसम 5000 रुपए कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड का NAV अभी 32.09 रुपए चल रहा है। इस स्कीम का फंड साइज है 2099 करोड़ रुपए का, यानी इतने पैसे लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.92% का। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड है 5 साल या रिटायरमेंट की उम्र तक, जो भी पहले हो। इस स्कीम में आप 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक तो आप SIP के जरिए यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा, और दूसरा आप लमसम यानी FD की तरह एक बार इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम SIP इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं, अगर आप इस स्कीम में 600 रुपए महीना से SIP स्टार्ट करते हैं तो आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पर हमने रिटर्न एक्सपेक्ट किया है 20% का, जो कि स्कीम का ऑल टाइम रिटर्न है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ पर हम 20% का रिटर्न सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए मानकर चल रहे हैं, और आने वाले टाइम में यह 20% से कम या ज्यादा हो सकता है। अगर आप इस SIP को 5 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 20% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 26,073 रुपए का। 36,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 5 साल के बाद वो 62,073 रुपए की होगी। अगर आप इस SIP को 10 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 20% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 1,57,418 रुपए का। 72,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 10 साल के बाद वो 2,29,418 रुपए की होगी। अगर आप इस SIP को 15 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 20% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 5,72,577 रुपए का। 1,08,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 15 साल के बाद वो 6,80,577 रुपए की होगी। अगर आप इस SIP को 20 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 20% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 17,52,888 रुपए का। 1,44,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 20 साल के बाद वो 18,96,888 रुपए की होगी। अगर आप इस SIP को 25 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 20% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 49,96,025 रुपए का। 1,80,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 25 साल के बाद वो 51,76,025 रुपए की होगी। अगर आप इस SIP को 30 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 20% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 1.38 करोड़ रुपए का। 2,16,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 30 साल के बाद वो 1.40 करोड़ रुपए की होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस स्कीम के अंदर 600 रुपए महीना से SIP स्टार्ट करके 30 साल में 2,16,000 रुपए जमा करके 1.40 करोड़ रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 3 तरीके होते हैं।
पहला फंड कंपनी की वेबसाइट से, दूसरा ब्रोकर के थ्रू और तीसरा घर बैठे मोबाइल ऐप के द्वारा। अगर आप मोबाइल ऐप के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो अपस्टॉक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस प्रकार डायरेक्ट इन्वेस्ट करके आप 1.5% तक का ब्रोकरेज एक्सपेंस बचा लेंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.moneymunch.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। धन्यवाद।